का था, जो कि हमारी रानी तुम्हारे चरणों में गिरी थी, तुम्हारी खुशामद करती रही, तुमसे बहन कहती रही कि बहन जी मान जाइए, हमारे पति को छोड़ दो, हमारे पति को मत मारो। मगर तुमने ये बात नहीं सुनी थी उस दिन, आपको नहीं याद थी कि राजालाल है या कोई दूसरा है? पता नहीं मेरे सिर पे ऐसा ही भूत चढ़ गया। जो भैया मुझसे ऐसी धोखे से गलती हो गई, जो मैंने आपको पहचान नहीं पाया भैया, अब मुझे क्षमा कीजिए भैया, मुझसे गलती हो गई भैया। कपड़ा की पहचान होती है, अगर कपड़ा की तुम पहचान जानती हो, मगर मुखार बंद की पहचान को नहीं जानती हो? बिल्कुल भैया, सब कोई जानता है, लेकिन पता नहीं मेरे सिर पर क्या हो गया, जो मैंने आपको नहीं पहचान पाया, मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे क्षमा कीजिए भैया। हमारे जिया की नाकम न थपरी इसने काम तो बहुत गलत किया है, इसको तो दंड ऐसा देना चाहिए कि जिंदगी में किसी ने किसी के साथ में ना किया हो वो काम करना चाहिए। बात क्या है, तुम कैसे आई हो, क्या लेने आई हो यहाँ? भैया मैं इसलिए आई हूँ, जो तुम्हारा भांजा फुंडोल है, इसीलिए भैया आपके पास मैं बात मांगने आई हूँ। भैया बात मांगने आई हो जी, या हमारा काल लेके आई हो? नहीं भैया, कोई बात नहीं, ये बताओ पहले मुझे, ये बातें छोड़ो भैया, किसका काल लेके आई हो तुम, क्या हमारा? भैया ऐसी बात नहीं, क्या बात है भी? शादी का पैगाम लेके आई हूँ। तो शादी का पैगाम कहाँ है? वो यही मौजूद है भैया, दिखाओ। जो आपका भांजा फुंडोल है, उसकी मैंने शादी तय की है सिवर बंगाल से, इसीलिए भैया आज के बाद मैं शादी का पैगाम लेके आया हूँ। आप देखिए इसमें, ये पत्र को किसने बनाया है? वो सिमर बंगाल से भैया आया है। सिमर बंगाल से आया है जी। इसमें तो बहुत सा दहेज भी लिखा है। हाँ भैया, आप पढ़ के देख लीजिए भैया। Thank you.
सकता है जितना दहेज इसमें चिट्ठी में लिखा हुआ है ترجمة